गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और अभी बज चुके सुबह के कंप्लीट 10। हमारा नहा के वगैरह हो गया है, घर के काम हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो वैसे मैंने बहुत टाइम से बताया नहीं था कि मैं क्या क्या गिफ्ट ले रही हूँ। मतलब मुझे बहुत सारे पार्सल आ रहे थे, तो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने परी के लिए क्या लिया वो बताए। तो मैं एक जल्दी से वीडियो बना दिया, एडिटिंग करना बाकी है। मैं जल्दी से वो वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने परी के लिए क्या क्या लिया है वो सब। और अभी हम जा रहे हैं परी के बर्थडे के लिए थोड़ा डेकोरेशन की शॉपिंग करने के लिए। तो वैसे मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई, कुछ चीज़ें घर पे कर रही हूँ तैयार। मतलब कि उनको जो भी DIY थोड़ा बहुत करना बाकी वो सब कुछ कर लिया है, कर रही हूँ। और अभी कुछ लेने जा रही हूँ डेकोरेशन के अकॉर्डिंग। और बर्थडे के लिए हम कहाँ पर जा रहे हैं ये थोड़ा सा गेस्ट कीजिए, क्योंकि बर्थडे इस बार यहाँ पर घर पर नहीं होने वाला है। तो आप वो थोड़ा सा सोचिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं बर्थडे के लिए। और अभी हाँ, हम जा रहे कहाँ, मैंने बोला डेकोरेशन का कुछ देखते मिल रहा है। जो वैसे हमें जाना जहाँ पे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाने के बीच रास्ते में पुलिस खड़े रहते हैं और परी को लेके जाना थोड़ा सा रिस्की, क्योंकि वहाँ पे वो बोलेंगे कि छोटे बच्चे को लेकर आए। इसलिए हमें जो भी नज़दीक में अच्छा कोई दुकान मिल जाएगा डेकोरेशन का सामान मिलने वाला, वहाँ पर हम जाने का सोच रहे। और हमारे यहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि रिलायंस मार्ट ओपन होने वाला है और वो हो गया है ओपन कल ही उसका उद्घाटन था। तो आज हम उसमें भी एक चक्कर मारने वाले, देखने वाले कि क्या क्या वहाँ पे है, कैसा है। थोड़ा सा आइडिया मिलेगा ना कि वहाँ पे क्या रेट है, जैसे कि डीमार्ट में जो भी है उस अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या कैसा है। तो इसलिए अगर हो पॉसिबल हुआ तो रिलायंस मार्ट में भी जाएंगे। तो बस वही, अभी रेडी हो चुके हैं, राज रेडी हो रही है, इसलिए सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ। परी को रेडी कर दिया है और बस अभी चल रही है प्लानिंग परी के बर्थडे के लिए। ना मैं कभी भी बहुत पहले से प्रिपेयर रहती हूँ। पिछले एक महीने से मेरी प्लानिंग चल रही थी कि मुझे क्या थीम करनी है, कैसा ड्रेस चाहिए, कैसा ये चाहिए, कैसा वो चाहिए, जो भी चीज़ें अभी नहीं रिवील करूँगी आपको बाद में पता चलेगा। तो वो सब चीज़ों का ना मैं बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही थी कि मुझे ये थीम करनी है कि वो थीम करनी है, ऐसा करना है कि वैसा करना है, ये डेकोरेशन चाहिए कि वो चाहिए, ये ड्रेस चाहिए कि वो चाहिए। कितने सारे चीज़ें मैंने मंगवा के वापस की। परी की ड्रेस भी एक पहले आया था लेकिन मुझे फिर दूसरा चाहिए था, इसलिए मैंने वो रिटर्न करके दूसरा करवाया। मेरी जो प्लानिंग है उस अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूँ कि सब परफेक्ट हो, अभी बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। अब वो जिस दिन बर्थडे के दिन होगा तब पता चलेगा कि जो मैंने पूरे पिछले एक महीने से दिमाग लगाया, जो सोचा और जो अभी भी सोच रही हूँ वो वैसे के वैसे फाइनल लुक देता है कि नहीं, फाइनल रिजल्ट आता है कि नहीं, वो अभी बर्थडे के दिन ही पता चलेगा। तो परी ये पढ़ रही सब। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद या जाकर आने के बाद या बाहर कहाँ पे पता देखते। 11 20। तो परी को ये हमने नहीं सिखाया आज तक, कभी हमने परी के सामने 11 to 20 कभी बोला नहीं था। उसने टीवी में भी नहीं सुना, क्योंकि टीवी में जो भी राइम्स आते हैं उसमें 1 to 10 तक ही रहता है। पर पता नहीं इसको कहाँ से आने लगा, परसों से अचानक 11 to 12 बोलने स्टार्ट हो गई और फिर हमने उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते गए। तो अभी वो 15 नहीं बोल पाती है और 11 तो हम स्टार्ट करते, इससे एक दो नहीं आते हैं, लेकिन वो खुद बोलने लगी। हमने ना उसे सिखाया ना उसने टीवी में देखा, पता नहीं उसको कैसे आ गया, समझ नहीं आया, पर आने लग गया मैडम को अभी। जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा अरे टेलिंग लाइस। तो अभी वो नाटक करे। तो चलिए मैं आपको मिली थोड़ी देर के बाद। फैन बंद इसलिए गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। और खाना नाश्ता कर लिया है, खाना आने के बाद देखेंगे खाना क्या बनाना है। नाश्ता हो चुका है। तो अभी बच चुके हैं 1:15 और परी को राज सुला रहे। मैं इतनी थक गई हूँ। हम नीचे गए थे परी के बर्थडे का डेकोरेशन का कुछ सामान लाया, मैं आपको बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाती हूँ। और हमारे ऐप मैंने कहा ना रिलायंस ओपन हुआ, तो एक्चुअली क्या हमें जाते जाते रिलायंस ओपन दिखा, तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम थी इसलिए मैं लाइन में लग गई। और मैंने राज को बोला कि आप परी को लेकर घर पे चले जाओ।
यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ, कुछ मिलता है तो फिर पता चला कि जिन्होंने कल टोकन लिए उनको जल्दी से भेज रहे, और जिनके पास टोकन नहीं वो लाइन में, और नहीं तो फिर आप नेक्स्ट डे का टोकन लो, ऐसा था। तो मैंने बोला भाई मेरा नंबर लगते लगते तो शाम हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि जाने, तो अभी क्या नया नया ओपन है इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जा रहे, तो उससे अच्छा कि अभी ना जाओ बेटर। और पता है अभी ना हमारे एरिया में कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि जो नया आपके यहाँ पे कोई भी आता है तो वहाँ पे भीड़ लगती है, और इतनी भीड़ आज ही थी पहले, और मतलब आज दूसरा दिन है, तो मतलब आगे जाके तो कितनी भीड़ होगी, और इतना मतलब बड़ा ऐसा शॉप ओपन हुआ है, हमारे एरिया में ऐसा कुछ था नहीं इससे पहले, तो इसीलिए ना वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि मुझे घर पे जाना चाहिए, ठीक है सामान पे डिस्काउंट है अच्छा, लेकिन बाद में कभी देखेंगे, अभी अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है जाने दो, और बहुत भीड़ भी थी और लाइन भी इतनी लंबी थी, तो कब मेरा नंबर लगता। और परी भी घर पे रो रही थी, राज बोल रही थी कि परी मम्मा मम्मा कर रही, पहले जैसे परी थोड़ा बहुत मैं नीचे गई तो रह लेती थी, पर अभी ना उसको आदत पड़ गई, वो अभी बोलने लगी ना, तो वो मतलब उसको जो चाहिए वो मांगती है, तो उसको मम्मा चाहिए तो मम्मा भी मांगती है कि मम्मा मम्मा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो फिर हम वापस राजनीति चले आए और परी को लेकर, और मैं वहाँ से आ गई, और फिर हम गए बलून वगैरह वो सब लेने के लिए, तो फिर बलून लिए और कुछ सामान वगैरह लिया, और फिर आते आते 12:30 बज गए, तो फिर हमने सोचा कि नीचे से बिरयानी लेकर आए, तो हम बिरयानी लेकर आए, खाना खा लिया, अभी 1:15 है, राज परी को सो लाते सुलाते शायद खुद भी सो जाएंगे, और मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी सी नींद निकालूँ, क्योंकि अभी मैंने खुद को भी टाइम देने का सोचा है कि भाई मैं अपने आप को भी टाइम दूँ, तो कल रात को मैंने 12:00 ऐसा अपना एक शेड्यूल बनाया कि मुझे ये अपने लिए भी करना है ऐसा, तो उसमें कि सुबह से जो दो काम थे वो मैंने कर लिए अपने लिए जो मैंने सोचा था, वो अभी तीसरा काम मैंने सोचा कि मैं दिन में 1 घंटा तो एटलीस्ट सोऊंगी, तो वो मैं करने वाली हूँ, तो कुछ भी हो जाए सोना है मुझे, नींद ना आए तो भी सोना है, और मैंने मतलब क्या होता है ना कभी कभी सो सकते हैं हम, ऐसा नहीं, पर ना हमें मोबाइल में आदत रहती है कि हम सोते सोते भी मोबाइल में टाइम पास करते, इंस्टाग्राम देखो यूट्यूब देखो या कुछ ना कुछ देखो, तो इस वजह से नींद लग रही हो तो भी नहीं लगती, तो उससे अच्छा कि डायरेक्ट मोबाइल साइड में रख देने का और फिर सोने के लिए ट्राई करने का, तो फिर बराबर नींद आती है, तो अब मैं वही करने वाली, थोड़ा सा सोने वाली हूँ, फिर शाम को पता नहीं क्या देखते शाम को, तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद, और परी के बर्थडे का जो भी मुझे DIY करना है वो भी करना बाकी है, तो वो मैंने परसों किया था, कल तो टाइम नहीं मिला, अभी कल आज होगा कि नहीं पता नहीं, तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। तो अब भी बच चुके 2:30 और परी और आज सो गए हैं, मैं एक्चुअली मुझे नींद नहीं लगी, मैंने कहा था कि मैं सोऊंगी पर नहीं नींद लगी, तो फिर मैंने 1-2 सीरियल देख लिया, और अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, काम क्या करना है तो मुझे ना एक मैंने YouTube पे एक्चुअली मैंने देखा कि फ्रिज की जो हमारी वो ये रहती है ना क्या बोलते हैं उसको, वो जो साइड में रहते दरवाजे के यहाँ पे इलास्टिक जैसा रबर वो साफ़ करना चाहिए, तो वो मैंने देखा YouTube पे, तो फिर मुझे वो साफ़ करने का टाइम मिला, तो क्योंकि वो साफ़ करना भी ज़रूरी होता है, तो मुझे आज तक पता नहीं था, और एक बार मुझे किसी ने बताया था, मैंने किसी वीडियो में बोला था कि मेरे फ्रीजर में बर्फ हो गया है, तो उसके लिए मैं फ्रिज का डोर ओपन रखती हूँ, तो किसी ने मुझे कहा कि वहाँ पे एक बटन होता है वो बंद करना चाहिए, वो बंद करना होता है, तो एक्चुअली इससे पहले तक सच में मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन पहले वो किया था सच में, बटन बंद कर दिया तो फ्रिज का पूरा बर्फ मेल्ट हो गया था, तो थैंक यू सो मच आपने मुझे बताने के लिए, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती है, और मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि अरे हाँ वहाँ पे कोई बटन होता होगा शायद, ऐसा इतना माइंड में नहीं आया, तो हम पहले क्या करते थे कभी तो फ्रिज का बटन डायरेक्ट बंद करके रख देते थे, या फिर कभी कभी डोर ओपन रखते थे तो फ्रिज मेल्ट हो जाता बर्फ मेल्ट होता था, पर फिर मुझे 2-3 कमेंट आए थे, मैंने एक बताया दिखाया था कि मेरे फ्रिज में इतना बर्फ हुआ ऐसा कुछ, तो फिर मुझे 2-3 कमेंट आए कि आप ये करो, तो मैंने वो किया, तो सच में वो वर्क किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वैसे अभी मुझे एक टिप मिली है कि फ्रिज का जो रहता है ना रबर वो भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, और वो कैसे साफ़ करना है वो भी मुझे पता चला है, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ, अगर वो वर्क हुआ ना कि किस तरह से साफ मतलब जैसे भी साफ़ करना है, तो वो मैं टिप आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन आज वो मेरा ही ट्रायल है, तो देखते क्या होता है। एक बात, एक नए एप्लीकेशन के बारे में मुझे अभी 2-3 दिन पहले पता चला था, फिर मैंने उसके ऊपर से कुछ सामान मंगाया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है फिलहाल परी के बर्थडे तक, अगर पॉसिबल हुआ तो परी के बर्थडे के बाद मैं कोशिश करूँगी वो एक वीडियो शूट करूँ, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल था और कुछ अलग लग गया मुझे, मतलब कि जो भी ना वो मैं आपके साथ उस तभी बाद में शेयर करती हूँ, तो बस वही। और अभी चलिए मैं अभी करती हूँ अपना थोड़ा सा काम, सुबह मैंने
भिंडी निकाल धोकर रखी थी मुझे, आज दोपहर को भिंडी बनानी थी लेकिन हम लेट हो गए ना, इसलिए अब शाम को बनाऊंगी मैं भिंडी। और कल का ना थोड़ा राइस बचा है तो मैं सोच रही हूँ कि राइस के पकोड़े बना दूँ चाय के साथ, मतलब 4:30 बजे के टाइम पर। तो देखते हैं अभी क्या कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, अभी देखती हूँ कुछ काम हुआ तो वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। ये कुछ मैंने सामान ऑर्डर किया था, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि एकदम छोटू छोटू है तो एकदम ट्रैवल फ्रेंडली, कि हम कहीं पे भी लेके जाओ, जो भी हमें 2-4 दिन जितने भी टाइम है वहाँ पे यूज़ करके, मतलब ऐसे बड़े बड़े होते तो हमें हम लेकर नहीं जा सकते, मतलब लेकर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ मुझे ये पाउच फ्री मिला है तो जिसके अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स ही आ जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका रिव्यू मैं डेफिनेटली और बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दूँगी, क्योंकि मुझे ये रिसेंटली पता चला है इसके बारे में, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना छोटा छोटा सा देखो ना सामान, ठीक है, एक पाउच के अंदर वो सब सामान आ गया, सही ना। और पाउच भी बहुत अच्छा है, एकदम मस्त लेदर का है। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस के पकोड़े, तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा राइस बचा था, उसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच बेसन डाला, फिर नमक डाला 1/2 चम्मच से भी कम, फिर गरम मसाला डाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली और हल्दी डाली थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाला, बस इतना ही। अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मतलब इसका जो हम नॉर्मली जैसे हम आटा लगाते हैं ना भजी बनाने के लिए उस तरह से, लेकिन इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि राइस जो होता है ना वो ऑलरेडी गीला होता है, तो वो बेसन और वो जो सारे मसाले ना वो उसमें अच्छे से सोख हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा भी पानी नहीं डाला है, बिल्कुल भी नहीं, और अच्छे से जो आटा है ना भजियों का वो लग चुका है, तो बस अच्छे से उसको मिक्स कर करके लेना है। तो बस लग गया आटा, अभी मैंने तब तक तेल रख दिया था तो अभी बस फ्राई करने है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तेल गर्म हुआ है कि नहीं, तो हो गया है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी, अगर आपका थोड़ा राइस वगैरह बचा है तो अच्छा है टी टाइम के लिए नाश्ता, या फिर आपके पास अगर ग्रीन चटनी वगैरह हो तो उसके साथ भी मस्त लगता है, मतलब कि जो लेफ्ट ओवर राइस होता है वो वेस्ट नहीं जाता है, कभी कभी हमें फ्राई राइस खाने का भी कंटाल आता है, तो इसलिए एक अच्छा आइटम है। तो बस थोड़े से बने थे क्योंकि राइस एकदम थोड़ा सा था और मैंने सारे डाल दिए, लेकिन इसको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि राइस अंदर से अच्छे से वो भजी पकना चाहिए ना बाहर से एकदम कुरकुरी होने के लिए, मीडियम फ्लेम पे आपको 7 से 8 मिनट तक या ऑलमोस्ट 10 मिनट तक भी पकाना चाहिए, अगर आप फास्ट रखेंगे तो वो रेड जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए। तो मैं अभी इसको अच्छे से पका लूँगी, तब तक एक साइड में चाय भी रख देती हूँ ताकि चाय के टाइम पर बराबर हो जाए। तो ये देखें, और गैस मैंने रखा है मीडियम। तो बस फाइनल यहाँ पर मेरे पकौड़े बन चुके हैं, कैसे लग रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ। गाइस तो अभी बज चुके 6:30 हो गए, हम लोग फिर नीचे गए थे, परी को साइकिल पे घुमाने के लिए लेकर गए थे, लेकिन परी मैडम साइकिल पे बैठने के लिए तैयार नहीं नीचे, वो बोलती नहीं मतलब उसको चलना है या फिर उठा के लेकर जाओ, लेकिन साइकिल पे नहीं खेलना था, फिर हमने साइकिल पे छोटी थोड़ा काम था वो कर आए, और साइकिल फिर बाद वाले अंकल नीचे बैठे थे तो वो ऊपर लेकर आए फिर, और अभी वो गई है आंटी के यहाँ पे अपनी साइकिल लेने के लिए, तो आंटी बोल रही मेरी साइकिल है और वो मैडम नहीं मेरी है, खींच खींच के ले रही थी दोनों एक दूसरे से खींच रही है साइकिल, तो ऐसी मस्ती चल रही है। तो अभी खाना बनाना बाकी है और अभी देखती हूँ खाना क्या बनाना है, पता नहीं, तो बस वही और क्या अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर दूँ। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सुबह आपने सुबह नहीं दोपहर को देखे होंगे राइस के पकौड़े, तो वो मैंने ऐसे बनाए थे टी टाइम के लिए, थोड़ा सा राइस बचा था कल रात का तो उसका, और ज़्यादा नहीं थोड़े से बने थे बट मस्त बने थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।